अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल ज़िला फितरुबीना में। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ लब्बे शीरे, जो नहायत ही आसान है और इतने आसान तरीके से बनाऊंगी कि आप इजीली आप अपने घर में बना सकती हैं। ये देखें, मैंने 1 kg का मिल्क पैक लिया है, ये 2 जेली है, ग्रीन और ये रेड की जेली है, ये अनानास है, ये हमने 4 टेबल स्पून जो है हमने कस्टर्ड लिया है, ये किशमिश है, ये सेमी है जो हम दूध में डालेंगे, ये क्रीम का एक प्याली है, इसमें काजू और बादाम है जो हमने छील लिए थे, इसमें सेब हैं, ये देखें मैंगो है, आम है और इसमें ये रसगुल्ले हम ऐड करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको जेली बनाने का तरीका बताती हूँ। इसलिए इसको मैं अच्छी तरह बॉईल करूँगी, बॉईल करने के बाद फिर मैं बताती हूँ मैंने जेली किस तरह ऐड करनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें हमारे पानी को जोश आ चुका है, ये देखें अब मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा दोनों में डालूँगी, या पानी आता है इसमें डालूँगी। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ, इसको अच्छी तरह हल कर लें। इसको ये ग्रीन वाली डालिए, इस तरह हल करके मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी रूम टेम्परेचर पे, ये बिल्कुल जेली हमारी तैयार हो जाएगी। देखिए जो 4 टेबल स्पून हमने कस्टर्ड लिया था उसमें ही हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, इस तरह ही डाल देंगे, बाकी हम इस देगची में डाल मान लेंगे। देखिए बकाया हमने ना इसमें डाल दिया। चूल्हा जो है ना दूध डालने से पहले कभी ऑन नहीं करा, हमारा दूध इस तरह फट जाएगा गर्म देगची में। पहले आप दूध डालें उसके बाद आप फ्लेम ऑन करें। देखिए अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और चीनी डालने के बाद हम सेमिया जो है ना रंगीन से वो डालेंगे। ये देखिए हमारे दूध में जोश आ चुका है, जोश आने के बाद देखो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये मैं जो ये देखें छोटी प्याली मैंने चीनी ली है, ये चीनी इसमें डालूँगी और ये जो सेमिया है ना इसको हम देखें इस तरह मैं डाल दूँगी, उबली हुई नहीं है, इस तरह ये थोड़ी देर पकेंगी, इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें अभी ये हमारी सेमिया, देखें पहले हाथ लगा के देखना है हमारी पक गई हैं। इस तरह चमचा जो हमने ये कस्टर्ड डाला था ना, चमचा रोकेंगे नहीं, ये तकरीबन हमारे अंदर जो ये सेमियाँ डाली थी वो गल गई। देखिए ये जो कस्टर्ड मैंने 4 टेबल स्पून डाला था, इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखो ठीक हो चुका है ना, थोड़ा सा पकाएंगे फिर उसको हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसका ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। ये देखिए ये क्रीम जो थी ये ऐड करेंगे, आधे घंटे के लिए हमने रख दिया था ठंडा होने के लिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब इसमें देखेंगे हम किशमिश, देखिए किशमिश डाली, अब ये बादाम और काजू डालेंगे, या अनानास पाइन एप्पल जो थे वो डालेंगे, इसका पानी हम निकाल लेंगे। देखिए ये जो एप्पल काट के रखे थे सेब वो डालें, देखिए मैंगो, इस तरह सारी चीज़ें हल करके। देखिए मैंने सेमियाँ जो है ना पहले बॉईल करके नहीं रखी थी, ये देखें कितनी अच्छी सेमियाँ भी हल्की हल्की मिक्स हो गई, अगर बॉईल करके डालें ना वो बहुत ही मदीदा बन जाती। देखो मैं हाफ रसगुल्ले इसमें डालूंगी, कुछ मैं गार्निश के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें जेलियाँ मैंने इसे काट ली हैं, जो मैंने जेली बनाई थी अब इसको हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
इसको हम 4-5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखें, पाया जो है ये मैं इस तरह सारा डाल दूँ। देखिए हमारे लबेशीरी बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाया है। और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।